अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास एट, चेक जनरल साइंस। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टडी आउट करेंगे कि हमारे एरिया के माहौल में किस तरह से पोल्यूशन फैल रही है, क्या किन वजूहात पर फैल रही है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एरिया के माहौल को आलूदा कर रही हैं। तो हम इसको इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट वी लिव इन इज नॉट is in the environment we live in is not as clean as it should be. हम एरिया के माहौल को देखते हैं जिसका कि ये इतना साफ सुथरा नहीं है जितना ये दिखता है। वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कॉन्टामिनेटेड विद हार्मफुल सब्सटेंसेस। बहुत से नेचुरल वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन, कुछ चीजें नेचुरली कुदरती तौर पर, कुछ ह्यूमन की इंसानों की बनाई हुई चीजों से हमारा इस चीज का माहौल बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। डस्ट स्टॉर्म्स, रोटिंग ऑफ वेजिटेशन, वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा आर नेचुरल फेनोमेना विच रिलीज डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉइजनस गैसेस इन द एनवायरनमेंट। अब सैंड स्टॉर्म, जिससे पूरे एक स्टॉर्म आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, ठीक है। रोटिंग ऑफ वेजिटेशन मतलब कि गले सड़े जो सब्जियां होती हैं उनके लिए वॉल्केनिक इरप्शन लावा कहा जाता है एक्सेट्रा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली क्या करें हमारे एटमोसफेयर को अलूदा कर रही हैं, पॉइजन गैसेस से माहौल को अलूदा कर रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द व्हीकल्स, इंडस्ट्री एंड मैनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिलीजिंग पॉइजनस कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट। इसी तरीके से अब दूसरी तरफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स, मतलब जो व्हीकल के अंदर जो पेट्रोल यूज किया जाता है उसका जो धुआं निकलता है, वो इंडस्ट्रीज में जो धुआं निकलता है वगैरह, वो सब वो सारी चीजें हमारी हवा में या इर्द-गिर्द के माहौल में क्या कर रहे हैं, डेंजरस गैसेस को फैला रही हैं। द पॉइजनस हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कॉन्टेमिनेट और पल्यूट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। वो तमाम हार्मफुल चीजें जो हमारे इर्द-गिर्द के माहौल को हवा को गंदा कर रही है, वो सबको उसको क्या कहा जाता है, एयर पोल्यूटेंट्स। वो तमाम वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, हमारे इर्द-गिर्द के माहौल को पोल्यूट कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरमेंट। इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका हमारी जिंदगी में, इंसानों की जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द मेजर्स टू रिड्यूस इट विल आल्सो बी डिस्कस। हम इसके बारे में हम इसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इस चीज से कैसे अपने आप को अवेयर करेंगे, इस तरह की पोल्यूशन को हम किस तरह से अपनी लाइफ से खत्म करें। तो पेज नंबर 46 है और हमारा अगला टॉपिक है 4.1, एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। अब एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, उनके सोर्सेज कौन से हैं, मतलब किन किन तरीके से एयर पोल्यूटेंट्स ही बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेप्ट्रा दी मेन एयर पोल्यूटेंट्स। ये तमाम चीजें सब्सटेंस क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, जिसमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड पार्टिकुलर मैटर लाइक सूट। पॉइजनस गैसेज इन डेड ऑर्गेनिक मैटर से और पर्टिकुलर मैटर मतलब लाइक जो चीज गल सड़ जाती है उससे उनसे ही गैसेज पैदा होती हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, पोलन, मेटालिक कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड ऑफ लेड, ये तमाम चीजें ऐसी हैं पार्टिकल्स की जो क्या करती हैं, हमारे के माहौल को एयर को पोल्यूट करती हैं। फॉर एक्सेप्ट्रा आल्सो पोल्यूट दी है, मतलब ये तमाम चीजें भी क्या करती हैं, साइड किनके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड नाइट्रोजन के बाद के बलग दूसरी चीजें क्या है, ये भी क्या करती हैं, हमारे एरिया के माहौल को आलूदा करती हैं। इसमें मेटालिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, पोलन्स आ जाते हैं, डेड डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं एक्सेट्रा। यहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से कौन डिफरेंट गैसेस हमारे डिफरेंट कचरे को जब जलाया जाता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रीज में जो धुआं होता है वगैरह, ये सब कुछ, और एरोसोल स्प्रेज के थ्रू क्या होता है, हमारे एरिया का माहौल ज्यादा पोल्यूट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, ये इनकम्प्लीट कंबशन मतलब कोल अगर प्रॉपरली कंप्लीट कंबशन नहीं होती, कंप्लीट मतलब उसको जलने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तो अदर फॉसिल फ्यूल्स को भी जलाने के प्रॉपरली जब वो कंबस्ट नहीं होती है तो फिर क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसमें नेचुरल गैस और पेट्रोल, ऑयल एक्सेट्रा, सारी चीजें उसके अंदर शामिल है। कि इन्हीं की इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे एरिया के माहौल में फैलती है। स्मोक रिलीज फ्रॉम दी मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारी गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, वो सारा मेन सोर्स है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। अब सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनती है, हम जब कोयले को जलाया जाता है और ऑयल को फैक्ट्रीज में, तब सल्फर डाइऑक्साइड बनती है।